हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आज स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो हमने पिछले महीने यार एप्पल स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ एक मस्त मैक मिनी और एयरपॉड्स 3 में लपेट लिए थे। एयरपॉड्स 3 में लपेट लिए, मैक मिनी के लिए मैंने 58,000 रुपए दिए थे। 58 इंग्लिश में 58। तो यहाँ पे आज फाइनली मुहूर्त आ गया इसकी अनबॉक्सिंग करने का। और थोड़ा मैं लेट हो गया हूँ, वाला ऑफर भी खत्म हो गया है, बट स्टिल मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने जो मैक मिनी M1 ली थी उसकी अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस कैसा मिलता है आपको। और उसके साथ साथ जो मैक मिनी M1 है वो क्या सच में एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कंप्यूटर है। लाइक अगर आपको कुछ भी काम करना है, ऐसे प्रोडक्टिविटी काम करना, तो क्या ये कंप्यूटर सबसे बेस्ट रहेगा, तो देख लेते हैं। और सबसे सस्ता एप्पल का कंप्यूटर अगर आप लेने चाहते तो यही मिलता है। सो स्टार्ट कर लेते हैं भाई पहले अनबॉक्सिंग के साथ। बेसिकली जब मैक मिनी मेरे पास डिलीवर हुआ था तो भाई इतने बड़े पॉलिथीन वाले बैग थे, मेरे को समझ नहीं आया इतना बड़ा क्यों है। बट स्टिल इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके का एक आउटर बॉक्स देखने को मिलता है जिसमें मैक मिनी हमारी कवर्ड होगी। एंड अगर इस कार्डबोर्ड वाले बॉक्स को खोलते हैं तो इसके अंदर हमारे को मैक मिनी का बॉक्स देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा मिनिमल सा बॉक्स है, नॉर्मल सा व्हाइट कलर का, जिसके ऊपर की मैक मिनी का ऊपर वाला डिजाइन बना हुआ विद एप्पल लोगो। जैसे भाई एप्पल सिंपलिस्टिक वाले डिजाइन रखता है वैसी है ये नॉर्मल। एंड उसी के साथ ये वाली जो मैक मिनी है बेस मॉडल है, जिसके अंदर की 256 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज है, 8 GB की यूनिफाइड मेमोरी है, और उसी के साथ साथ इसमें M1 वाली चिप है। बॉक्स के हिसाब से अगर देखो तो काफी ज्यादा बड़ा नहीं है। अगर एक कंप्यूटर को देखते हो, आपने देखा होगा ऐसे गेमिंग कंप्यूटर कितने बड़े बड़े आते हैं, बट ये छोटा सा है बिल्कुल। बेसिकली एप्पल टीवी का बड़ा भाई मान लो, उसके जैसे लगता है सेटअप बॉक्स टाइप। तो जैसे हम लोग भाई इसकी लीड उठाते हैं तो हमारे ऊपर की साइड में रखा मिल जाता है हमारा मैक मिनी, जो कि एक नॉर्मल से पुल टैप के साथ आता है, तो हम इसे ऊपर निकाल लेंगे। एंड यहाँ पे काफी ज्यादा भाई जैसे मैं बता रहा था अच्छे तरीके से एप्पल चीजें पैक करता है और बढ़िया लिख रहा है। एंड उसके साथ जो भाई उठा सकते इसका वेट है ना, वो इतना ज़्यादा भारी नहीं है। लाइक अगर आप कंप्यूटर जैसे बता रहा था काफ़ी ज़्यादा भारी होते हैं, बट ये ऐसा कुछ नहीं है भारी की बहुत भारी लगे। बट हाँ, इसकी पूरी पूरी बिल्ड एल्युमिनियम वाली है। एंड उसके साथ अगर हम बॉक्स के अंदर नीचे चले तो हमारे को पावर कॉर्ड मिल जाती है सिंपल सी, और उसके साथ यहाँ पे थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन है जिसके अंदर की एप्पल स्टिकर मिलते हैं। तो ये हो गई भाई अनबॉक्सिंग, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी, कुछ ऐसे दे ही नहीं रखा है एप्पल कि भाई अलग से कुछ एडिशनल दे रखा हो, दो चीज़ें बस खत्म। और अब इसके लिए एडिशनली आपको एक मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस लेना पड़ेगा। तो सेटअप पूरा दिखाऊंगा मेरा अभी आपको क्या क्या कैसे तरीके से करना होता है। बट उसी के साथ हमारे को यहाँ पे सेकंड चीज जो मिली थी वो थी फ्री के एयरपॉड्स, बेसिकली स्टूडेंट डिस्काउंट के साथ। यहाँ पे एयरपॉड्स जो थे ये सेकंड जनरेशन वाले थे विदाउट चार्जिंग केस। मैंने तो अपने जो एयरपॉड्स थे उनको भाई टाटा बाय बाय बोल दिया, क्योंकि मेरा पहले से थे तो मैंने उनको बस एकदम रफा दफा कर दिया। तो यहाँ पे हमने भाई अपना मैक मिनी को पूरा सेटअप कर लिया है बॉक्स से निकालने के बाद। एंड मुझे पता है काफी ज्यादा दिन हो गए हैं, बात की बात है साइड कर देते हैं। तो बेसिकली जैसे देख सकते हो हमारा जो सेटअप बनता है मैक मिनी कुछ तरीके का बनता है भाई। केबल मैंने जैसे देख सकते हो हमारी कितनी ज्यादा बढ़िया हो रखी है, इतना ज्यादा हमारे को अच्छा, आप मजाक कर रहा हूँ, ये एक्चुअली टेम्पररी सेटअप है मेरा वहाँ पे था, तो अभी मैंने इसको ऐसे बस जुगाड़ लगा लगाया। तो यहाँ पे देख सकते हो एक मॉनिटर हमने अटैच कर लिया LG का, उसके बाद मैक मिनी है, फिर एक कीबोर्ड एडिशन, फिर हमारा एक माउस है। तो ये पूरा एक सेटअप बनता है जो कि हमारे को चाहिए, नेसेसरी होता है एक हमारा मैक मिनी को ऑन करने में। तो अभी जैसे इसको M1 है 2020 वाला मॉडल बेसिकली। एंड और अगर इसके अंदर चीज़ मैं आपको बताऊँ तो इसकी यार एक आपको बहुत बढ़िया खासियत देगी इसके अंदर ना, जिसकी लाइक नेटिव एप्लीकेशन बहुत जल्दी लोड होती है, जैसे कि सफारी है। सफारी में मैं आप क्लिक करूंगा, देखना कितनी जल्दी लोड होगा। ये उतनी स्पीड से लॉन्च होता है जितनी हमारी फोन में एप्लीकेशन लॉन्च होती है, तो काफी ज्यादा फास्ट है। अगर आप यही सेम अपने कंप्यूटर पर करते हो, नॉर्मल जो विंडो पीसी पे, उस पर नहीं हो पाता। एंड ये बेसिक ये है कि भाई M1 की चिप है और उसके साथ साथ मैक OS है, दोनों का प्रोप्राइटरी बना के मस्त ऐसे एप्पल ने मिश्रण लगाया है, तो हमारे को ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। एंड यहाँ पे कोई सी भी एप्लीकेशन में खोलो, लेट्स से चलो फाइनल कट प्रो जो कि इनकी एक वीडियो एडिटिंग वाली ऐप है, वो भी बहुत जल्दी ओपन हो जाती है, क्योंकि मुझे इसलिए पता है देखो। एंड टाइमलाइन भी लोड हो गई कल वाली वीडियो की, तो मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट है भाई M1 हमारे वर्क प्रोसीजर के लिए, जो भी हम काम करते जिस तरीके का। एंड उसके साथ साथ भाई इसके अंदर आपको फोटोशॉप भी अब मिलने लगा है, M1 सपोर्ट करता है अब नेटिवली फोटोशॉप को भी, ये भी एक काफ़ी ज़्यादा प्लस पॉइंट है। तो अब सारी की सारी चीज़ें जो भी पहले M1 के लिए हम लोगों को लग रहा था नहीं हो रही और लाइक इशूज़ आ रहे थे रोजेटा के थ्रू चल रहा था, वो सब अब फाइनली खत्म हो गया है, अब नेटिवली सब कुछ सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि एक साल हो ही गया लगभग, है ना। तो इसलिए अगर आप लोग भाई ये मशीन लेना चाह रहे हो तो आपको कुछ इस तरीके का सेटअप करना पड़ेगा, जैसे कि ये 6,000 रुपये का माउस है, कीबोर्ड है, फिर मॉनिटर है, तो करीब आपकी कॉस्टिंग पड़ जाती है 90,000 रुपये या 80,000 रुपये, डिपेंड करता है कि आप मॉनिटर कितना अच्छा लेते हो। तो यहाँ पे मेरे पास मैकबुक है, एंड आपको बताओ जैसे मैकबुक एयर का भी कुछ इसी तरीके का प्राइस आता है, लगभग 68 का भी सेल मिल रही थी, बट वो 80 समथिंग की मिलती है वैसे नॉर्मली। तो अगर आप दोनों का प्राइस कंपेयर करते हो तो लगभग वही आता है, बट एक चीज़ मैकबुक और मैक मिनी के अंदर डिफरेंस सबसे बड़ा ये कि देखो पोर्टेबिलिटी बहुत वो होती है मेन चीज़। अगर आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए तो मैकबुक सबसे बढ़िया है, लेकिन अगर आप लोगों को एकदम डेस्कटॉप पे बैठ के काम करने का शौक है, या फिर हमारी तरह आपको खड़े होकर वीडियो बनाने का शौक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, बट ये टेम्पररी सेटअप है। बाकी हमें पीछे की साइड देख सकते हो हमारे को काफी सारे पोर्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि HDMI है हमारा ये पोर्ट, उसके साथ साथ दो USB Type-A पोर्ट हैं,
थंडरबोल्ट पोर्ट है यहाँ पे हमारे को, दो यूएसबी टाइप सी वाले, एंड उसी के साथ यहाँ पे एक ईथरनेट पोर्ट है, एक पावर अडैप्टर है। तो ये कुछ इस तरीके का आपको लेआउट मिलता है इस पूरी मैक मिनी के अंदर, एंड काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है यार। अगर आप नॉर्मल किसी कंप्यूटर को देखते हो, जैसे हमारे पास एक ये वाला कंप्यूटर, देखो भाई कितना ज़्यादा बड़ा है ये, बट उसके अकॉर्डिंगली बहुत छोटा है, तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड उसी के साथ सामने की तरफ में आपको एक LED लाइक लाइट सी मिल जाती है, एंड इवन इस मैक मिनी के अंदर अपने खुद के स्पीकर्स भी हैं। अगर मैं आपको इसके साउंड सुनाऊं आपको बड़ी हैरानी होगी। सो बेसिकली अभी देख सकते हो, यहाँ पे मैं शिफ्ट कर देता हूँ इसको मैक मिनी वाले स्पीकर्स पे, एंड यहाँ से हमें प्ले कर ले रहे हैं, एंड ये आवाज़ इस टाइम पर मैक मिनी के स्पीकर में से आ रही है। नीचे से फायर होते हैं बिल्कुल नीचे से, ये देखो नीचे से आवाज़ आ रही है, काफ़ी सही है, मतलब एक रेफरेंस के ऑडियो के लिए ठीक है। तो यार एक चीज़ बताता हूँ, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लोगों के मन में अराइज होता है, जैसे मैक मिनी ले रहे हैं उन्हें और वो कंफ्यूज होते हैं विंडोज़ और मैक मिनी के अंदर, कि इस रेट के अंदर एक विंडोज़ कंप्यूटर बनवाएं, असेंबल कराएं या फिर मैक मिनी ले। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंसर ये दे देता हूँ, लाइक विंडोज़ और मैक के अंदर ना एक बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस ये है कि जो मैक के सॉफ्टवेयर होते हैं वो मैक पे बहुत चलते हैं, और जो विंडोज़ के सॉफ्टवेयर होते हैं विंडोज़ पे ज़्यादा अच्छे चलते हैं। तो नेटिव एप्लीकेशन के ऊपर जब बात आती है, तो विंडोज़ और मैक के अंदर दोनों के अंदर अपनी अपनी नेटिव एप्लीकेशन होती हैं। जैसे अगर आप मैक ले रहे हो, तो अगर आपका वर्क मैक के सॉफ्टवेयर वाला है, जैसे फाइनल कट वाला है, एप्पल कंप्रेसर वाला है, तो आप लोग मैक की तरफ 101% आग बंद करके जा सकते हो। तो ये चीज आप लोग अपने डिसाइड करके ही इसके ऊपर चलना, बाद में ऐसा ना हो कि भाई मैक ले लिया और फिर सॉफ्टवेयर चल नहीं रहे हैं, तो ये चीज पहले डिसाइड करके लेना। एंड दोनों के अपने अपने प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, तो उसके हिसाब से आप लोग डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सिंपल सी बात क्लियर हो गई। बाकी ये जो है अभी जैसे हमारा जिस लाइक हमारे स्टूडियो में जिस तरीके का वर्क फ्लो है, उस हिसाब से ये बहुत ज्यादा अच्छा सूट करता है, एंड इसलिए ही मैंने परचेस करा है, ठीक है। तो बस यार आज की वीडियो नहीं, अगर आप लोगों को पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर दो, और मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलता हूं। ओ गाइस बाय बाय।